अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ डिस्टिंग्विशेबल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसमें आज जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 7 का ए पार्ट है। ओके, तो आने वाली वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये वीडियो नंबर 14 से भी नेक्स्ट टॉपिक्स है जो अभी फ़िलहाल लिखे नहीं, लेकिन उन पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, यानी कि हम इधर हम एन पार्टिकल्स ले रहे हैं। क्या पार्टिकल्स ले रहे हैं? हम एन पार्टिकल्स ले रहे हैं, एन पार्टिकल्स ले रहे हैं। अगर हम एन पार्टिकल ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ वेव फंक्शन भी ज़्यादा होंगे। ओके, तो वेव फंक्शन को लिखते हैं हम सबसे पहले। ये मेरे पास क्या है, एन वन, एन टू, एन थ्री, ये हमारा क्वांटम नंबर कहलाते हैं। ओके, एन एन एन। ओके, अब इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं काई को। अब ये काई क्या चीज़ है, इसको हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में। ओके, इसमें हम तमाम जो हमें पोजीशन होती है वो हमें मिल जाती है। ओके, ये हमारे पास क्या होता है, पोजीशन ऑफ क्वांटम नंबर कहलाती है इसको। काई, इसको काई भी पढ़ते हैं, ये चाय भी पढ़ते हैं। इस काई में तमाम इन्फॉर्मेशन होती है, पोजीशन की, एंगल, मोमेंटम की, काइनेटिक एनर्जी की, या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी। अब इस यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साई एन वन, तो काई एन वन, तो एन टू, काई टू, एंड सो ऑन, काई एन एन है, तो ये है हमारे पास। ओके, अब ये किसको शो कर रहा है, ये जो वेव फंक्शन है फॉर फर्स्ट पार्टिकल को शो कर रहा है। ये भी वन पार्टिकल है, ये भी वन पार्टिकल है, एंड सो काम चलता जाएगा। ये एंथ पार्टिकल है, ये वन पार्टिकल फॉर फर्स्ट पार्टिकल के लिए है, ये वन पार्टिकल फॉर सेकंड पार्टिकल के लिए है, एंड सो ऑन है। ओके, ये वेव फंक्शन हमने लिख लिया, इसको हम नाम दे देते हैं। ये मेरे पास क्या है, ए है। ओके, अब हम बात करते हैं हैमिल्टोनियन पर। हैमिल्टोनियन हम जानते हैं कि हैमिल्टोनियन होता है, ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का मजमुआ होता है। यानी कि हैमिल्टोनियन का मतलब क्या होता है कि टोटल एनर्जी। अब यहाँ चूंकि सिस्टम ज़्यादा है, एंथ पार्टिकल्स हैं, तो हर एक पार्टिकल का अपना काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ओके, ये है हमारे पास। अब हम जानते हैं कि चूंकि एंथ पार्टिकल है, तो हम इसलिए हम हर एक एक अलग नहीं लिखेंगे, तो मैं इकट्ठा लिख रहा हूं। तो इकट्ठा लिखने के लिए मैं समीशन यूज़ कर लूँगा। ओके, ये है मेरे पास। अब ये 2mi है, और ये है हमारे पास स्क्वायर प्लस vi है, काई आई है हमारे पास। अब ये हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, या फिर इसको मोमेंटम कहते हैं। हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि हम जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक्चुअली हमारे पास क्या होती है, पी स्क्वायर ओवर 2m होता है। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास पी होता है वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव आई और आयोटा एच कट के इक्वल होता है। ओके, और साथ हमारे पास डेल आता है। अच्छा, यहाँ डेल क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि थ्री डिमेंशन है। इधर हम किसी एक वन स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहे, हम इधर 3D में बात कर रहे हैं, इसलिए इधर हम डेल यूज़ करते हैं। अगर वन डायमेंशन होता तो इसलिए इस यहाँ फिर हमने डेल पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स यूज़ करना था, या पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, या फिर पार्शियल ओवर पार्शियल जी यूज़ करना था। ओके, ये एक्चुअली मेरे पास ये काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ हमने इस फॉर्मूले को पी की वैल्यू को पुट किया तो मेरे पास यहाँ से आ गया। अब ये आई किसको शो कर रहा है, ये एंथ पार्टिकल को शो कर रहा है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा लिए हुए हैं। ओके, ये हो गया मेरे पास। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर बी है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इनर्जी पर। जानते हैं कि एक हमारे पास जनरल फार्मूला होता है ना, हैमिल्टोनियन, ये देखे ना, ये हमारे पास ना। सबसे पहले हमने वेव फंक्शन पर बात की, उसके बाद हमने हैमिल्टोनियन बात की, अब हम बात करते हैं एनर्जी पर। ओके, तो अब हर पार्टिकल की अपनी अपनी एनर्जी है, यानी कि एन वन की अपनी एनर्जी है, एन पार्टिकल की, एन टू पार्टिकल की अपनी एनर्जी है। इसी तरह हमारे पास एन आई पार्टिकल की अपनी एनर्जी है, एन जी पार्टिकल की अपनी एनर्जी है,
एंड सो ऑन, ये काम चलता जा रहा है। ओके इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं इस क्वेश्चन नंबर सी। अब हम फ्रॉम इक्वेशन वन, इस इक्वेशन को हम मद्देनजर रखते हुए इक्वेशन वन को हम इस, चूँकि ये एंथ पार्टिकल ही है, इस इक्वेशन को हम एक सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, हम वन बॉडी फॉर्म में लिख सकते हैं, वो कि हमारे पास क्या है, ये है। ओके एन आई काई आई, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर ए को हमने इस फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब फ्रॉम इक्वेशन बी, अब इक्वेशन बी है, इस इक्वेशन नंबर बी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं एच एन आई, ये इक्वेशन नंबर बी को। ओके अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर सी है, इस इक्वेशन नंबर सी को हम देखते हुए इसको फॉर्म में लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, इजी फॉर्म में। ओके तो ये वो हमारे पास ये है, इसको हम कहते हैं समीशन हमारे पास होता है। यही आज का हमारे इतना सा टॉपिक था, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एम एकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकअल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।